गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टिश्यू कल्चर के कंटिन्यूशन में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, जीव द्रव्य संवर्धन। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट एक नेकेड सेल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ये इट कैन रीजेनरेट सेल वॉल, ग्रो एंड डिवाइड। एक नेकेड सेल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और ये रीजेनरेट सेल वॉल को रीजेनरेट कर सकती है, ग्रो कर सकती है और डिवाइड कर सकती है। इट इज फ्रेजाइल बट कैन बी कल्चर्ड एंड ग्रो इनटू अ होल प्लांट। ये बहुत ही नाजुक है लेकिन ये कल्चर की जा सकती है और एक पूरे प्लांट में इसको ग्रो किया जा सकता है। सेल्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टिश्यू। जो प्रोटोप्लास्ट है, जो नेकेड सेल है प्रोटोप्लास्ट के रूप में, ये किसी भी टाइप के टिश्यू से इसको लिया जा सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनेल है। वाया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन न्यू हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड। न्यू हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इज यूज्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। जो प्रोटोप्लास्ट है इसका यूज सारे ही साइंटिस्ट करते हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हों, चाहे पैथोलॉजी में काम कर रहे हों, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हों। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लसन इन निकोशियाना ग्लोका ग्लोइया। In 1960, E.C. Cooking contributed to the enzymatic isolation or end culture of protoplast. ये हम आगे देखेंगे। इसमें जो main contribution है वो E.C. Cooking का है 1960 में, कि किस तरह से protoplast का culture किया और इसका enzymatic isolation किया, enzymes की मदद से protoplast का tissue से isolation किया। Now definition of protoplast. Definition: isolated protoplast has been described in naked cell, हम पहले भी बात कर चुके हैं, because the cell wall has removed by either a mechanical or enzymatic process. जो सेल है उससे हम सेल वॉल जब हटाएंगे तो जो रिमेनिंग जो पार्ट है वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। तो उसको जो सेल वॉल को हटाने के जो साधन है वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं और एंजाइमेटिक प्रोसेस भी हो सकते हैं। In the isolated protoplast, the outer plasma membrane is fully exposed. हमने ये पहले भी बात करी है। अब आता है steps in protoplast culture. Protoplast culture में हमें कौन-कौन से steps हैं? पहला है isolation of protoplast, जीव द्रव्य का पृथक्करण, then purification of protoplast, जीव द्रव्य का शुद्धिकरण, then viability test of protoplast, जीव द्रव्य की जनन क्षमता का, जीवन क्षमता का परीक्षण करना, और देन लास्ट में कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्य का संवर्धन करना। ये चार स्टेप्स जो हैं वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में शामिल है। पहला प्रोसेस है, पहला चरण है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्यों को पादप की जड़, तना, पर्ण, पुष्प दल, इवन फ्रेजाइल और फ्राइबल कैलस या सस्पेंशन कल्चर से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जनरली हम एक हेल्दी लीफ को जीव द्रव्य पृथक्करण के लिए प्राप्त करते हैं। जनरली हम यूज करते हैं एक हेल्दी लीफ को, उससे हम आइसोलेट करते हैं प्रोटोप्लास्ट को। इसके लिए दो मेथड्स हैं, मैकेनिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में जैसा कि इसके नाम से विदित है कि हम कुछ इस तरह का यूज करेंगे जिसमें हम सर्वप्रथम पादप ऊतकों को धोकर उच्च सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है। प्लाज्मोलिसिस होने के कारण जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़कर एक तरफ आ जाता है। अब हम मैकेनिकली तेज चाकू से कट लगाते हैं तथा इसको फिर से हम डी प्लाज्मोलाइज करते हैं, जिससे कि सेल वॉल कट जाती है और कटे स्थानों से जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर आ जाते हैं और फिर इन प्रोटोप्लास्ट को हम
उपयुक्त माध्यम पर कल्चर करते हैं। ये ज्यादा यूज में नहीं आती है ये मेथड, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो उसकी बहुत कम परसेंटेज है। रिजल्ट हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन की जरूरत होती है और मेहनत अधिक होती है और जिन तरीके इसमें हमें कम प्राप्त होते हैं। दूसरा मेथड है एंजाइमेटिक मेथड। इस विधि में पादप पदार्थ से जीव द्रव्य प्राप्त करने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिर दो स्टेप्स हैं, पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस, सॉरी तीन स्टेप्स हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस एंड एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो पहले में हम पहला देखते हैं हम कि स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो स्टरलाइजेशन के लिए एक हम हेल्दी और मैच्योर लीफ को लेकर उसको 70% एल्कोहल में रखते हैं और अब उससे 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन में 10 मिनट तक रखकर फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर से 3-4 बार धो लेते हैं। तो ये तो हो गया स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल विद द 70% एल्कोहल एंड 2% सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड देन डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड जो है पीलिंग ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को छील के अलग करना, बाह्य त्वचा को छील के अलग करना। जो स्टरलाइज्ड हमारी जो लीफ है उसकी जो लोअर एपिडर्मिस है उसको हम चाकू से या चिमटी से हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये कार्य करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो सारा मटेरियल है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ रहे। नेक्स्ट आता है एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए मिडिल लैमिला को हटाकर जो सेल वॉल है उसको हम उसका डिग्रेडेशन करना पड़ता है और इसके लिए एंजाइम्स की सहायता ली जाती है। सो दिस इज एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट। तो इसमें भी फिर दो है, डायरेक्ट और वन स्टेप मेथड एंड इनडायरेक्ट और टू स्टेप मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट और वन स्टेप मेथड। जो लीफ फ्रेगमेंट्स हैं इनको 0.5% पेक्टिनेस, 2% सेलुलेज एंड 13% मैनिटोल या सॉर्बिटॉल के मिश्रण में रखा जाता है। ये एंजाइम्स हैं पेक्टिनेस, सेलुलेज एंड मैनिटोल और सॉर्बिटॉल के मिश्रण में रखा जाता है। पीएच 5.4 एवं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 घंटे तक रखने के बाद हल्का सा हाथ से दबाकर जीव द्रव्य को अलग कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं ये उसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं और उससे जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्री हो जाता है। तो उसको हम हल्का सा दबाकर किसी भी चीज से हल्का सा प्रेस करके उनको हम अलग कर लेते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट और टू स्टेप मेथड। इस विधि में पेक्टिनेस एवं सेलुलोज का उपयोग एक साथ ना करके अलग अलग चरणों में किया जाता है। वन स्टेप में हमने सबको एक साथ डाल के मिक्सचर में डाल दिया था, यहाँ पे हम इसको टू स्टेप्स में डालते हैं। प्रथम स्टेप में पर्ण खंडों को 0.5% पेक्टिनेस, 0.3% पोटेशियम डेक्सट्रिन सल्फेट एवं 13% मैनिटोल में मिलाकर 15 मिनट तक 25 डिग्री पर रखते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, ताजा मिश्रण डालकर पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। इस प्रकार फिर इसको हम नाइलॉन मैश से छानकर इसका 1 मिनट तक सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और पैलेट को अलग कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया हमने कि लीफ जो थी उसको हमने पेक्टिनेस, पोटेशियम डेक्सट्रिन सल्फेट और मैनिटोल मिला के इसको रखा और इसको हिलाते रहे और फिर इसके बाद में इसका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करके पैलेट को अलग कर लिया। और फिर सेकेंड जो स्टेप है उसमें हम पैलेट को मैनिटोल से वॉश करते हैं और आइसोलेटेड कोशिकाओं को फिर 2% सेलुलोज, 13% मैनिटोल में 30 डिग्री पर 90 मिनट तक रखते हैं। विलयन का पीएच जो है वो 5.4 ही रहना चाहिए। अब मिश्रण को पुनः इसका वापस से हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके और जो वो है प्रोटोप्लास्ट है उनको हम पैलेट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो जो सेकेंड मेथड है ये ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है, ऑल्दो इट इज टाइम टेकिंग, बट इससे हमें रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो ऊपर जो लिखी हुई विधियां हैं इनसे हमने जीव द्रव्यों के साथ टूटे हुए
जो कोशिका खंड है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स है, एंजाइम का जो मिश्रण है, ये सब भी इसमें होते हैं। इसके अलावा तो इन सारे जो सेल डेब्रिस हैं, इससे जीव द्रव्य को अलग करना अत्यंत आवश्यक है। ये सब एक ही मिश्रण में है, उसमें से जीव द्रव्य अलग हुआ है, लेकिन जो हमने कलेक्ट के लिए है तो उसमें भी कुछ इनका पार्ट आ जाता है। तो उसको अलग करने के लिए फिर हमारे पास दो मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड एंड फ्लोटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में जो प्रयुक्त मिश्रण के साथ जो प्राप्त टिक्की का फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, एक बार फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा और यहाँ पर टिक्की के रूप में किया जाता है, जीव द्रव्य टिक्की के रूप में एकत्र हो जाता है, टूटे कोशिका अवयव ऊपर आ जाते हैं, उनको पिपेट की सहायता से निकालकर अलग कर लिया जाता है और टिक्की जो नीचे रह जाती है उसको हम मैनिटोल से धोके और प्योरीफाई कर लेते हैं। दिस इज सेडिमेंटेशन। इसमें हम उसको नीचे बिठाते हैं, ऊपर पिपेट आउट कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है इसकी हमें जरूरत नहीं है उसको पिपेट आउट कर लेते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो दूसरा है फ्लोटेशन, उसमें जो डेब्रिस है उसका जो डेंसिटी है वो जीव द्रव्य की तुलना में अधिक होती है। तो अब जो हमें जो अशुद्ध जो वो मिले हैं, जीव द्रव्य मिले हैं, उनको मैनिटोल्स, ऑर्बिटोल और सुक्रोज मिलाकर हिलाते हैं तो जीव द्रव्य जो है वो ऊपर आ जाता है। इसका अपकेंद्रण करने के बाद बचा हुआ अवशिष्ट नीचे बैठ जाता है एवं पूर्ण शुद्ध जीव द्रव्यों को अलग कर लेते हैं। ये दो मेथड हो गए, सेडिमेंटेशन मेथड एंड फ्लोटेशन मेथड। अब आता है प्रोटोप्लास्ट वायबिलिटी टेस्ट कि हमने जो प्रोटोप्लास्ट अलग किए हैं वो कितने वायबल हैं। अगर वो वायबल नहीं है तो उनके लिए हम आगे उनसे हम कल्चर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें उनकी ये करने के लिए बहुत उनकी जो जीवन क्षमता है उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके कई तरीके हैं इसको करने के, जैसे कि हम साइटो ये जो इसकी जीव द्रव्य की गतियां देखकर हम कर सकते हैं, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं देखकर हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम अभिरंजन से कर सकते हैं, अथवा हम इसमें जो है अभिरंजन स्टेन अथवा फिनोसेफिन द्वारा परीक्षण करके, सबसे अधिक जो है वो फ्लोरोसिन डाई एसिटेट के उपयोग से इनकी जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है। फ्लोरोसिन डाई एसिटेट से इनकी जो वायबल जो जीव द्रव्य होते हैं वो चमकीले हरे या सफेद रंग के दिखाई देते हैं। अब आता है लास्ट प्रोटोप्लास्ट कल्चर। जीव द्रव्यों को उपयुक्त पोषक माध्यम में डालकर कोशिका भित्ति निर्माण कराया जाता है। जीव द्रव्य कल्चर के लिए बर्गमैन्स सेल प्लेटिंग टेक्निक या माइक्रोचैम्बर मेथड या पेट्री डिश के ढक्कन पर छोटी बूंदों को लटकाकर, जैसे कि हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं, वो प्रयोग किए जाते हैं। 2-3 दिन में कोशिका भित्ति बननी आरंभ हो जाती है। 2-3 हफ्तों के अंदर फिर मल्टी सेलुलर कॉलोनी बन जाती है जिसमें फिर रिजेनरेशन होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा हम पूरा प्लांटलेट प्राप्त करते हैं। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये हमारे पास स्पॉटेड प्लांट है। हमने लीफ लिया, लीफ का हमने क्लीनिंग किया, उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया, एपिडर्मल पीलिंग किया। एपिडर्मल पीलिंग से फिर हमने पील लीफ सेगमेंट से हमने सेल वॉल को ब्रेक किया एंजाइमेटिक एक्शन से और प्लाज्मोलिसिस के द्वारा, और उसके बाद में यहाँ से हमने ये जो प्रोटोप्लास्ट है इनको हमने निकाला और इनका पैलेट बनाया। फिर जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट थे इनका हमने प्लेटिंग किया। इसके बाद में हमने देखा कि वॉल रीजनरेशन हो जाता है। इसमें वॉल रीजनरेशन होने के बाद में इनमें डिवीजन होता है, सेकेंड टू सेल, क्लंप ऑफ सेल, कॉलोनी फॉर्मेशन होगा, कैलस फॉर्मेशन होगा, कैलस डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर कैलस डिफ्रेंशिएशन से प्लांट पूरा प्लांटलेट बनेगा और उसको हम फिर हार्डनिंग के लिए हम उसको बाहर ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट कल्चर होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर किस किस काम में आता है? स्टडी ऑफ ऑस्मोटिक बिहेवियर, स्टडी ऑफ
इंडोल एसिटिक एसिड एक्शन, स्टडी ऑफ प्लाज्मा लेमा, स्टडी ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें हम सेल वॉल फॉर्मेशन करवाते हैं, यहाँ पे ये पूरा प्लाज्मा लेमा से कवर्ड रहता है तो उसका भी हम, उसके बिहेवियर को भी हम स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गेनल आइसोलेशन, स्टडी ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, वायरस अपटेक एंड रेप्लिकेशन, स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फाइनली जीन ट्रांसफर. सो दिस इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर. थैंक यू.